बजाज पल्सर NS160 और NS200 गाइस हो चुकी है बैन। अगर आप नया बजाज पल्सर NS लेने जा रहे हो, NS200 लेने जा रहे हो, अब से आपको नहीं मिलेगी, शोरूम पे यानी बंद। ऐसा गाइस मैं क्यों बोल रहा हूँ जानने के लिए बनी रही, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या ही इसका रीजन है, क्यों कंपनी ने इसको बैन कर दिया। तो बनी रही इस वीडियो में, बताते हैं आपको फटाफट से। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और मैं हूं सौर और आप देख रहे हैं SK बाइक व्लॉग। तो आज की वीडियो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो हमारी Q&A वीडियो होने वाली है। तो इट मींस अगर जो भी आपके जो कमेंट्स होंगे उनके मैं आज आंसर दूंगा। एंड गाइस ये जो वीडियो होने वाली हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम होने वाली है, तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना कि इसके नेक्स्ट वीडियो हम रेडी कर देंगे। एंड आज की वाली वीडियो तो मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना कि आज की ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो हम इसे जरूर से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आई होप कि गाइस आपको आज का टॉपिक है वो अच्छा लगा होगा। सो गाइस आज जो मैंने कुछ कमेंट्स वगैरह पिक करें आप लोगों के, जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, तो आज मैं उन सब के जो आंसर देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड वाला बटन है उसको जोर से दबा दीजिए। एंड साथ में गाइस बेल आइकन भी ऑल पे प्रेस कर, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए, तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो फिर गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले कमेंट की बात करें तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निखिल भाई ने कमेंट किया। यहाँ पर निखिल भाई कह रहे हैं कि भाई बाइक में सॉफ्टवेयर अपडेट भी होता है क्या फर्स्ट सर्विस में? तो यहाँ पर हाँ भाई, अगर आप फर्स्ट सर्विस करा रहे हो, सेकंड सर्विस करा रहे हो, उसमें भाई सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है बाइक का। अगर आपके पास NS नहीं है और भी कोई बाइक है उसमें भी गाइस, इट मीन्स आपके पास कोई भी BS6 बाइक है उसमें गाइस जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। सो यहाँ पर भाई आप समझ के, तो अगर आप सेकंड सर्विस करो, फर्स्ट सर्विस करवा, अगर आपकी बाइक में सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो उसको जरूर से अपडेट जरूर करवा लीजिए। यहाँ पर जो सेकंड कमेंट किया अपने भाई ने वो किया व्हाट द FK मी। तो यहाँ पर भाई ने सबसे पहले अपने बाइक के बारे में बताया। ओके सबसे एंड में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कह रहे हैं 100+ की स्पीड में वो है बाइक अनस्टेबल रहती है, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है। हाँ भाई 100+ की स्पीड में अगर हम बाइक की स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल इतनी दिक्कत है नहीं स्टेबल की। अगर आपको होती है तो कोई उसका तो आप जरूर से चेक करवा लें, कहीं तो रिम वगैरह में दिक्कत ना हो। अगर हाँ इस चीज़ में जरूर एग्री हूँ कि बाइक की जो ग्रिप है ना वो नहीं है, क्योंकि इसके टायर है ना वो इतने बढ़िया नहीं है, इसका जो ग्रिप है ना उसकी वेट की वजह से इसकी ग्रिप बनती है। अदरवाइज इसका वेट ना हो तो इसकी ग्रिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर 100+ की स्पीड में उनको तो कोई दिक्कत आ रही है तो भाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा जरूर से आप एक बार अपना बाइक शोरूम में चेक करवा लें। कहते हैं वो सलमान भाई आते हैं, वो वाले सलमान ही, यहाँ पर एक दिखा दूंगा वो। तो ये पूछ रहे हैं फर्स्ट सर्विस कितने किलोमीटर में होती है? तो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट आपकी सर्विस बाइक की होती है 500 किलोमीटर to 750 किलोमीटर। तो 500-750 के बीच आपकी फर्स्ट सर्विस होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। एक नेक्स्ट यहाँ पर कमेंट किया भाई ने, बाइक लवर्स ने, तो वो पूछ रहे हैं भाई आप कौन सा एक्शन कैमरा यूज़ करते हो? तो भाई मैं HJ6 लेजेंड यूज़ करता हूँ। तो ये जो गाइस मुझे अराउंड पड़ा था भाई, आई थिंक सो हाँ 10.5 का पड़ा था ये फ्लिक पर, उस वक्त जो है अमेजोन में सेल चल रही थी। साथ में इसका माइक लिया था मैंने 1500 का। अगर मैं बताऊं माइक की क्वालिटी इतनी बड़ी नहीं है, बट कैमरे की क्वालिटी, हाँ गाइज आप देख पा रहे हो कैमरे की क्वालिटी बड़ी है, तो मैं लिटरली बहुत इंप्रेसिव हूँ। GoPro के बराबर नहीं है, बट हाँ अगर आप न्यू व्लॉगर हो, स्टार्ट करना चाहते हो व्लॉग, तो आप इससे भी स्टार्ट कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, पर मैं आपको पहले बता दूँ इसकी माइक की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट की बात करें, यहाँ पर जो भाई पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू स्टॉप मेन लाइट एट ए मॉर्निंग। तो वो पूछ रहे हैं कि हेडलाइट है वो कैसे बंद करें मॉर्निंग में। तो ये भाई मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर आप हेडलाइट को बंद करना चाहते हो तो वो एक अलग से एक स्विच लग जाता है, वो लगवा लेना। आप कहीं भी मार्केट में जा सकते हो मैकेनिक के पास, उनसे स्विच ले लेना, वही है वहाँ पर आपका स्विच लगवा देंगे। वो आपके जो है आपका उससे जो कंट्रोल होगी, आप कभी हेडलाइट ऑन करोगे वो ऑफ भी कर पाओगे। ओके आपकी वहाँ पर दिक्कत वो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट की यहाँ पर बात करें, अभिषेक भाई पूछ रहे हैं भाई हैंडल हिल रहा है NS160 का, आपका भी होता है क्या? प्लीज़ मेक ए वीडियो। भाई हैंडल हिल रहा है तो अगर आपकी न्यू बाइक है, अगर आपकी बाइक को अभी तक 2 साल नहीं हुए हैं, तो मैं आपको कहूँगा जरूर से आप चेकआउट करा लें सर्विस शोरूम में जाके सर्विस में, क्योंकि नया बाइक अभी अगर आपने रिसेंटली बाइक ली है उसकी जो 2 साल की वारंटी होती है उसमें आपकी बाइक में कुछ भी इशू हो जाए लाइक आपका हैंडल हिल रहा है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई पार्ट वगैरह टूटा था वो आपका रिप्लेस किया जाएगा। तो ओके अगर कोई पार्ट ख़राब हुआ है तो उसको फ्री में रिप्लेस करेगा, अगर टूटा है तो उसका आपके ऊपर खर्चा लगेगा। अगर कोई ख़राब हुआ है तो गाइज उसका जो आपको फ्री में रिप्लेस करेगा, क्योंकि आपकी बाइक की 2 साल की वारंटी है, उसके अंदर गाइज आपको कुछ भी करा सकते हो। ओके तो उसमें कोई दिक्कत वाली बाइक नहीं, अगर आपकी बाइक का हैंडल हिल रहा है तो प्लीज़ जाके चेकअप करा लें, क्योंकि भाई इसका सेफ्टी इशू
तो आपकी जो सेफ्टी हो बट पहले होनी चाहिए प्रायोरिटी। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर अभी इस तरह आप पूछ रहे हैं कि भाई सेकंड सर्विस कितने किलोमीटर के बाद होनी चाहिए, तो भाई मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सेकंड सर्विस आपकी 4,000-5,000 के बीच में होती है सेकंड सर्विस, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर हमारे भाई पूछ रहे सिनू फैन ऑफ प्रामिश फुल टैंक हाउ मच मनी ब्रो, फुल टैंक कितने में होता है भाई? मैं अगर आपकी स्टेट में 100 लीटर पर लीटर है तो आपका मान लो कि 1200 में फुल टैंक हो जाएगा। इसकी जो NS की कैपेसिटी है 12 लीटर के टैंक की कैपेसिटी है इसकी। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर अनशंत भाई पूछ रहे हैं कि भाई एक बात बताइए कि ये NS160 का वाइट कलर आपके स्टेट में है क्या, क्योंकि कानपुर में बोल रहे हैं कि कलर ये नहीं आता वाइट कलर। तो हाँ भाई हमारे स्टेट में है, मुझे भी बहुत मुश्किल से मिला वाइट कलर, आई थिंक सो अराउंड मैंने बहुत जगह पर ढूंढा तब जाके मुझे मिला। तो अगर आपके स्टेट में नहीं मिल रहा, कोई शोरूम वाला ये कह रहा है कि नहीं आता, हमको भी भाई कितने लोगों ने कहा कि कलर नहीं आता आप ये वाला कलर उठा लीजिए, भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पता करते रहिए, एंड नहीं आ रहा तो आप बुक भी करवा सकते हो शोरूम से, तो आप बुक करा के भी उसको मंगवा सकते हो। तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये कलर बंद हुआ है, तो आप बुक करवा लीजिए, आपका जो आपको मनपसंद का कोई भी जो बाइक है वो आ जाएगा, अगर आपके वहाँ पर स्टेट में अवेलेबल नहीं है कहीं पर तो बुक करा के भी आ सकता है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको मजबूरी में ये होल की कलर उठाना पड़ेगा जो कि पसंद का नहीं है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस चाहिए, बट हाँ आपको मनपसंद का कलर मिल जाएगा आपको बुक करा। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं भाई अभिषेक गुप्ता पूछ रहे हैं भाई यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्राइस कितने में पड़ी। ये जो पूछ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटी का पूछ रहे हैं, NS का नहीं पूछ रहे। यहाँ पर भाई आपको बता दूँ इसका जो मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटी का प्राइस पड़ा हमारे स्टेट में यहाँ पर पंजाब में यहाँ पर मुझे पड़ा अराउंड 80,000 की मुझे पड़ी ये इलेक्ट्रिक स्कूटरी विदाउट सब्सिडी। अगर विद सब्सिडी हम बात करें ये अराउंड 1,00,000 या आई थिंक सो 1,00,000 या फिर 95,000 की पड़ जाती है विद सब्सिडी, विदाउट सब्सिडी आई थिंक सो 80,000 की है। ओके गाइज विदाउट सब्सिडी और विद सब्सिडी आपको बता दिया भाई। तो एंड गाइज सबसे आखिरी में वो वाले कमेंट जो कि मुझे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई मतलब उनको देखकर मुझे ऐसा हो गया था, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना। इंपॉर्टेंट बात करते हैं जो कि गाइस बहुत ही लोगों का मुझसे बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था, यहाँ पर आप देख पा रहोगे कि बहुत ही लोगों का बस कमेंट्स में एक ही क्वेश्चन था कि भाई ये बाइक NS160 NS200 बैंड होगी क्या, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, क्या ये आनी अब से बंद हो गया, NS आपको NS200 क्या मिलनी बंद हो जाएगी आज से, क्या ये बात सच है? मैं भाई आपको बता दूँ ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, NS160 बिल्कुल भी बैन नहीं हुई है। अगर आप इसको लेने जा रहे हो आपको जरूर से मिलेगी, बट कई बार क्या होता है कुछ डीलर आपको ऐसे मिल जाते हैं शोरूम में कि कहते हैं भाई ये वाली बाइक बंद हो चुकी है, हमारे पास यही बाइक पड़ी है, यही कलर पड़ा है, आप यही उठा लीजिए। बट मैं आपको बता दूँ उनकी बात में मत आइए, वो आपको एक तरह से फंसाते हैं, आपके साथ स्कैम करते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्टफ काफ़ी टाइम से पड़ा होता है वही उसको ही क्या कहते हैं ख़त्म करने की कोशिश। ऑफिशियली बताऊँ ये बिल्कुल भी बैन नहीं है, मैंने ऑफिशियली कंफर्म किया है बजाज कस्टमर केयर से, एंड कोई बंदा अगर कहता आपसे तो कहने भाई बाइक बैन नहीं है, मैंने सिंपली बात है मैं कस्टमर केयर से कंफर्म करके पूछ रहा हूँ, फिर आपके पास बात करूँगा उनसे, उस वक्त देख रहे हैं उनकी फट जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बाइक बिल्कुल भी बैन नहीं है, एंड अगर नहीं मिल रही तो आप बुक करवा के भी ले सकते हो। एंड सबसे आखिरी में आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप भाई गुजरात से, असम से, उत्तराखंड से भाई मुझे बहुत सारा प्यार देते हो, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे भाई इतना ज़्यादा प्यार देते हो। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा आप लोग अब भाई अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ को लाइक करते जाना, एंड साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम आप सभी की प्यार से करते हैं। अगर आपको ये वाली जो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से हम इसे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, आप बस अपना प्यार दिखाते जाइए। तो मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, टेक केयर।